सोमवार को वर्ल्ड हाइजीन डे पर बैंक रोड स्थित एक होटल में महिलाओं की समस्याओं से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिलाओं की समस्याओं पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। एक सामाजिक संगठन द्वारा महिलाओं की समस्याओं को प्रोजेक्टर पर दर्शाकर उनके निस्तारण पर भी चर्चा किया गया। ऊर्जा वेडिंग मशीन के द्वारा किशोरियों और महिलाएं आसानी से कहीं भी कभी भी मात्र 5 रुपए में सैनिटरी नैपकिन्स प्राप्त कर सकती हैं। सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग जितना अनिवार्य है उतना इसे अच्छे ढंग से नष्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर युवतियां एवं महिलाएं इसका उपयोग करने के बाद इसे टॉयलेट, कचरे, नाले और इधर उधर फेंक देती हैं, जिसके कारण प्रदूषण एवं जल जीवन की हानि पहुंचती है। ऊर्जा इको बर्न सैनिटरी नैपकिन्स को उचित और सही ढंग से नष्ट करने में सहायक होता है। इसके प्रयोग से जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जैसी समस्याओं से पृथ्वी सुरक्षित रहती है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर सीताराम जायसवाल, डॉक्टर अमृता सहकारी जयपुरिया, समाज सेविका सुधा मोती, ममता जायसवाल, महिला थाना अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी सिंह, रहमत अली, साधना श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यशाला में महिलाएं और लड़कियां सहित संस्था से जुड़े लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कार्यशाला के आयोजक एके जायसवाल ने कहा, उनको दीजिए, उनको और अभी भी चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है और मेंटेनेंस भी चल रहा है। हमने कई जगह लगाया है इसको, मैं बोलूँगा वो थोड़ा बारे में, उसके बारे में मेरे साथ मेरा जायसवाल जी और उनका ठीक है और बाकी सब लोग। आपका पहले तो यहाँ पे आने के लिए और एकदम बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 2 शब्द कहूँगा। और मेरे बड़े भाई जैसे बताया कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। मैं US में था, करीब 16-17 साल था। 4 साल पहले मैं US से लौट के आया और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, अगर जो हमको डॉक्टर को दिखाना है, अगर हम डॉक्टर को जानते हैं, बल्कि हमारे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अगर हम डॉक्टर को जानते हैं तब तो जाके दिखाना बड़ा आसान होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि किसको दिखाएँ, और पता चले कि किसको दिखाएँ तो ये नहीं पता रहता कि नंबर कैसे लगेगा, और नंबर लग भी जाए तो उसके बाद क्या होगा पता नहीं चलता है। चौथी प्रॉब्लम होती है, नंबर लगे, डॉक्टर ने आपको देख लिया, दवा मिलेगी नहीं मिलेगी, दवा आपको वही मिलेगी। ऊर्जा की तरफ से आज यहाँ एक प्रेजेंटेशन के लिए खड़ी हुई हूँ, जो आपको बताएंगे कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे या अवेयरनेस प्रोग्राम को विश्व भर में मनाने के लिए। हम सभी जानते हैं, हमारे सामने विशेषज्ञ भी है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हम सभी, और ये भी जानते हैं कि 28 दिन का एक चक्र होता है हर रिप्रोडक्टिव महिला के जीवन में। 28 दिन बाद ये चक्र रिपीट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब एक बच्ची, एक लड़की प्रवेश करती है तो उसमें उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अंडे का अंडे बनते हैं, और यदि वो फर्टिलाइज नहीं हुए तो वह बाहर शरीर, चाहे आपकी वो बहन हो, चाहे आपके साथ काम करने वाली महिला हो, या आपकी बीवी या पत्नी ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों ना हो, सभी रिश्ते माँ और या एक रिप्रोडक्टिव फीमेल से ही आगे बढ़ते हैं। ये सृष्टि, ये समाज हमारी इसी व्यवस्था से, ईश्वर के बनाए हुए इस व्यवस्था से ही गुजर के आगे बढ़ती है। तो आज इस दिन को 28 मई क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि यह चक्र हर फीमेल 28 दिन पे रिपीट होता है, इसलिए तारीख चुनी गई 28 मई। और 5 दिन का, लगभग 2 से 5 या 7 दिन, जनरली ये 5 डेज का चक्र 5 डेज तक रहता है, तो 5वें महीने को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चुना, इसीलिए दिन रखा गया 28 मई 5वां महीना, क्योंकि 5 दिन का ये दौरान होता है, और 28 तारीख क्योंकि 28 दिन बाद ये चक्र रिपीट होता है हर महिला के जीवन में। तो ये तो था वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, दिन हमने ये दिन क्यों चुना। यदि आप सुंदर हैं तो आप स्वस्थ भी होने चाहिए, केवल आपको ऊपरी ब्यूटी नहीं, आपका ब्रेन भी ब्यूटीफुल होना चाहिए और आपका स्वास्थ्य भी ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट शक्ति था उसमें वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के ऊपर ही उसका प्रोजेक्ट था। पूरे विश्व ने इसको सकारा, समझा और एक्सेप्ट किया, और 2017 मिस वर्ल्ड
थीम जो हमने विन किया ब्यूटी विद पर्पस का, ये इसी मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ पे ही आधारित है। बहुत काम आगे भी हो रहा है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि ऊर्जा समस्याओं का, जो कि हमारे परिवेश में, हमारे समाज में एक समस्या के रूप में देखा जाता है, जो कि एक समस्या है नहीं वास्तव में, इसको समस्या के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, बच्चियों को समस्या बनाया जा रहा है, जबकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और उसमें क्या होता है, बच्चे एजुकेशन, उनको पेट दर्द जैसी परेशानी होती है तो उसको ना समझा के वो अपनी क्लासेस भी मिस करती है, या अनकंफर्टेबल माहौल उसको क्लास में या उसके स्कूल में यदि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, या पानी की व्यवस्था, एक सेफ प्लेस की व्यवस्था नहीं है, तो वो स्कूल मिस करती है, जिससे उसका एजुकेशन, या मान लीजिए उसका इम्तहान है, परीक्षा है, या कोई ऐसा अहम दिन है जिसे वो स्कूल, या तो वो परेशान होके जाए स्कूल या ना जाए, उसके पास शायद कोई विकल्प नहीं होता। इन सब में इन समस्याओं को डील करने के लिए वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस मैनेजमेंट डे बना दिया। यहाँ पे जो कार्यशाला हो रहा है ये 28 मई का है, ये वर्ल्ड वुमेन हाइजीन डे है, जी मेंस्ट्रुअल डे है। इसमें क्या होता है कि हम लोग का एक प्रोग्राम होता है कि इसमें हम लोग जो महिलाओं के जो समस्या है उसको हम लोग अवेयर करते हैं। नॉर्मली बहुत सारी समस्या है, हम लोग इस समस्या में सबसे इम्पोर्टेंट जो नैपकिन है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल होता है और कैसे उसका डिस्पोज करते हैं और उसको कैसे हम लोग अवेलेबल करा सकते हैं। हम लोग के पास दो सिस्टम हमने बनाया है, जैसे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है, उसमें क्या करते हैं, सैनिटरी नैपकिन उसमें पड़ा रहता है और उसमें हम 5 रुपये का सिक्का डालते हैं और उसको नॉब घुमाने से आपको एक सिक्का, ये नैपकिन मिल जाता है। नैपकिन का इस्तेमाल करने के बाद उसका निस्तारण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको करने के लिए हम लोग ने एक सिस्टम बनाया है इको बार, जिसको सही तरीके से जलाया जाता है, जिससे प्रदूषण मुक्त तरीके से उसको जलाया जाता है। ये जो इसका दिमाग में कैसे आया आपको इस तरह का करने का कार्य? दिमाग में तो काफ़ी दिनों से चल भी रहा था, जैसे हम लोग ये सोचना था कि हम लोग स्टार्टिंग से भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव हमेशा करते आए हैं। हमने इसके पहले क्रीमेशन सिस्टम बनाया था, अंत्येष्टि सिस्टम बनाया था, जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और मात्र 100 किलो लकड़ी में एक सौदा हम लोग करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट होने के बाद हम लोग के दिमाग में आया कि ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो तमाम गंदगियाँ होती हैं, जी, तो उसको देखने के बाद ये समझ में आया कि कुछ इस तरह के सिस्टम होने चाहिए जो उसका निस्तारण करें। तो निस्तारण करने के लिए हमने एक छोटा सा इंसिनरेटर बनाया जिससे हम जो अपना यूज नैपकिन को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद हमने सोचा कि ऐसा है कि नैपकिन भी जो है जो सब जगह मिल नहीं पाता है, और जो बच्चियाँ हैं उनको उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है क्या चीज़ है क्या नहीं, उनको लगता है बीमारी है। तो अगर इसको हम लोग हॉस्पिटल में या स्कूल्स में इसको लगा देते हैं तो अवेयरनेस हो जाता है, मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये नैपकिन है और इसको यूज़ किया जाता है। तो फिर हम लोग ने नैपकिन वेंडिंग मशीन बनाया, यहाँ पे आदमी बिना किसी से पूछे अपना जगह सिक्का डाला और नैपकिन ले। अभी कहाँ कहाँ तक लगाने का व्यवस्था है आपका? हम लोग इसको पूरा ऑल इंडिया लगाएंगे। गोरखपुर में कहाँ कहाँ? गोरखपुर में सारे स्कूल में, कॉलेजेस में, जितने हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, जहाँ पे महिलाएं का आवागमन रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार जायसवाल।